आते हैं, सबसे पहले अपना शूज रिमूव करते हैं। निकालो, हम खोलते हैं? नहीं, अपने से करना है। कहना अपने से करना है। लाओ मम्मा करते, लाओ मम्मा, लो मम्मा करते। नहीं, सब अपने से करना। ऊपर बैठ के उतार लो। कहना ऊपर बैठ के उतार लो। उतर गया? वाह भाई वाह, अच्छा, कितना अच्छा बच्चा है। वाह, मम्मा बैठ जाए जमीन पे। चलो मम्मा भी बैठ गई। काना रखेगा। काना टिफिन किए थे? Yes. पूरी खाए थे? Yes. अच्छा, बर्फी? बर्फी खाए थे? Yes. पूरी नहीं खाए थे? पूरी खाए थे और बर्फी खाई थी और प्लीज। वाह भाई, क्लैपिंग। डांस किए थे? Yes. डांस भी किए थे? वाह भाई वाह। और क्या किए थे? योगा नहीं किए थे? क्यों नहीं किए थे योगा? क्यों नहीं किए थे योगा? नहीं किए थे? पीटी हुआ था। अच्छा, पीटी हुआ था आज? ओ, छुट्टी हो गया। छुट्टी हो गया? वाह भाई वाह। चलो आओ, कपड़ा ड्रेस चेंज कर दे कान्हा का। चलो चलो, कम नहीं चाहिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो यहाँ पे हल्का फुल्का कान्हा को कुछ खिला के हम नीचे भेजे। वो नीचे शॉप पे जाता है हमेशा शाम में, तो शॉप में नीचे गया पापा के पास अपने। तो हम आ गए किचन में, और किचन में सबसे पहले हम आटा गूंथे, सब्जी काटे हैं, छौंके भी हैं। और तब तक, जब तक सब्जी होगी थोड़ी सी पकेगी, हम यहाँ पे आटा मेरा पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और पूरा डिपेंड वो आप ही के ऊपर है खाने पीने को लेके, तो आपको हर एक काम अपने टाइम से करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उसके खाने का टाइम जब होगा, जब तब हम अगर खाना बनाएंगे तो वो भूखा रह जाएगा, और फिर वहाँ की वजह से यहाँ का भी जो जिसको भूख लगी वो भी नहीं खा पाएगा। तो ऐसे में हम उसको कुछ भी जो भी खाता पीता है थोड़ा बहुत खिलाते हैं, फिर हम आ जाते हैं अपने काम करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंथ चुका है, देखिए। और मेरा जब वो आटा गूंथता है ना, तो मतलब ये जो मेरा जो थाली रहता है जिसमें हम आटा गूंथते हैं, देखिए एकदम क्लीन होता है, कहीं भी आपको आटा इधर उधर दिखाई नहीं देगा। तो ये इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे आटा गूंथती हूँ। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो थाली आटे का रहता है वो इसी तरह रहे। और यहाँ पे मेरा हम पचफोरन और बड़ी डाल के यहाँ पे हम सब्जी को भून लेंगे, थोड़ा सा पकेगा तब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो फिर धीरे धीरे बात करते हुए मेरी सब्जी भी हो जाएगी और मेरा खाना भी धीरे धीरे पक जाएगा। तो यहाँ पे धीरे, जब से सब्जी हो रही है तो मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी अपना। 5 मिनट हम छोड़ दिए थे, आटा थोड़ा सा फूल गया था, उसके बाद ही हम रोटी बना रहे थे। तो आज धीरे धीरे करते करते मेरा सब काम इसी तरह हो जाएगा। 1 घंटे के आसपास, 1.5 घंटा होता है। फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ से फ्री होंगे तो पसीने पसीने हो जाते, तो फिर हम फ्रेश हो लेते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब गर्मी है ना गाइस, सावन का महीना लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि सावन का महीना है। इतना ज़्यादा मतलब, अगर आप एसी में हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे आप हमेशा फुल टाइम तो आप एसी में रहेंगे नहीं, तो आप जैसे ही काम करने के लिए जा रहे हैं पूरा आप जैसे लगेगा कि आप नहा गए हैं ऑलरेडी। तो मेरी कोशिश है कि हम जल्दी से अपना काम कम्प्लीट कर लें किचन का, उसके बाद फिर हम कान्हा को बुलाएंगे और उसको खिला पिला करके 9, 9:30 बजे, 10 बजे जो भी हो, वो मतलब उसका पूरा खाना पीना हो जाए, उसका दवाई जो हम देते हैं वो 10, 10:15 बजे तक हम कर लें, ये हम कोशिश करते हैं। किचन भी पूरा क्लीन कर लें 10:15, 10:30 बजे तक, ताकि हम कान्हा को एज इट इज़ अपने टाइम पर सुला दें, ताकि वो सुबह के टाइम मॉर्निंग अच्छे से जल्दी उठ जाए। तो ऐसे ही रूटीन मुझे लगता है कि हर एक जब लेडीज़ रहती है ना घर में, तो उसका ये रहता है, क्योंकि छोटा बच्चा है आपके साथ। अगर छोटे बच्चे नहीं हैं घर में तो आप वैसे भी, आप कभी भी, आपको कोई ऐसा है नहीं कि आप गरम गरम भी आप रोटी बना के आप खा सकते हो। तुरंत कोई आया आप सब्जी छौंक लो, कोई आया तो अपना आप गरम गरम। लेकिन आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको वो पूरा टाइम आपको मैनेज करना होता है, क्योंकि आप गरम गरम जब आप सब खाएंगे तो बच्चा तो उस समय खाएगा नहीं। बच्चा तो वैसे भी आपके ही ऊपर डिपेंड करता हो है खाने पीने को लेके, तो आपको उसको प्रॉपर टाइम देना होता है। तो ऐसे में जब आप किचन में प्रॉपर लगे रहेंगे तो आप अपने बच्चे को भूख के समय आप नहीं खिला पाएंगे। तो ये इसी वजह से एक माँ जब
बच्चा घर में होता है तो वो सब काम करने के बाद अपने बच्चे को खाने पीने की से ले के पढ़ाई से प्रॉपर टाइम देती है, क्योंकि अगर वो ऑन टाइम वो सब चीज़ नहीं करेगी ना तो वो बहुत देर हो जाता है, फिर बच्चों का जो मन होता है, जो भूख होती है वो भी मर जाएगी, तो आप क्या उसको खिलाएंगे। तो इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि जब वो नीचे जा रहा है तो हम सब काम कर लें, जितना भी काम है बर्तन से लेकर के खाना से लेकर के या कुछ भी काम है हम प्रॉपर कर लें और फ्रेश भी हो गए। यहाँ पे हम चाय बना रहे थे, देखिए हम पापा आए थे नीचे, पापा बोले कि चाय हमको दे दो, तो हम बोले ठीक है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई उतार के फिर पापा का चाय बनाए हैं, उनको नीचे दे करके आएंगे, फिर हम सब्जी चढ़ाएंगे। तो आज भी कुछ ऐसी हालत हो गई है, ये देखिए पसीने पसीने हो गए हैं। और 10 मिनट आराम करेंगे फिर कान्हा को बुलाएंगे, इस समय घड़ी में 8 बज रहा है, ठीक है। तो वैसे कल स्कूल नहीं जाना है, कल संडे है, बंद होगा। आज स्कूल गया था और पापा कान्हा का ना मतलब हर टाइम उसका बर्थडे ही होता है, पापा कल केक लेके आ गए और अभी केक कटा नहीं है, क्योंकि अभी कान्हा को भी ना ज़्यादा केक और ये सब चीज़ दवाई चल रही है तो उसको मना किया गया है, इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड किए, उसका कल केक काटते थे लेकिन कल केक नहीं काटे। और आज भी ये टाइम हो गया, अभी केक नहीं कटा, तो सोचे उसको केक काटने का शौक़ है तो केक उससे कटवा देंगे, लेकिन ज़्यादा मतलब उसको खिलाना नहीं चाहेंगे, वो बांट देंगे किसी न किसी का, राजा आएगा और भी दीदी रहती हैं काम करने वाली, और मतलब कोई भी दिखेगा तो उसको खिला पिला देंगे, हम लोग भी खाएंगे, पर कान्हा को बहुत कम देंगे क्योंकि उसको डॉक्टर बिल्कुल भी बिल्कुल मतलब तेल मसाला घी एकदम मना किए हैं जब तक उसकी दवाई चलेगी। तो अभी आएगा, अगर वीडियो शूट हुआ तो ज़रूर आपको दिखाएंगे उसकी पिक। तो यार जब तक अपना काम कर लो ना तो बहुत रिलैक्स इंसान हो जाता है। पापा को चाय बनाए तो हम भी चाय लेकर के आ गए, सेंगे आज भी हम चाय नहीं पिए थे, इनको पूछे तो ये मना कर दिया कि हम चाय नहीं पियेंगे, तो हम अपने और पापा की चाय लेकर के आए। वाह। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं और जो लोग पुराने भी हैं मतलब रिलेटिव्स में हैं वो लोग तो जानते हैं, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे पूरी तरह से नहीं जानते, तो मैं उनका मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। ऐसे तो मुझे पहले ही दे देना चाहिए अपना इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं कुछ टाइम वेट की हूँ क्योंकि उसका कुछ रीज़न है कुछ वेट करने का, इसीलिए मैं कुछ वेट कर रही हूँ। किसी टाइम मैं अपने ब्लॉग में ही अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरा ससुराल कहाँ है, मेरा मायका कहाँ है, मैं क्या करती हूँ, मैं सब डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन अभी वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है बताने का। तो जब सही टाइम आएगा तो मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूँगी अपने ब्लॉग में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं थोड़े से और बढ़ जाए, ताकि मैं जब अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझे और अच्छी तरह से जाने पहचाने। तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रही हूँ, और भी कुछ रीज़न है जो मैं अभी नहीं शेयर करना चाहती यूट्यूब पे। तो मैं अपना फुल इंट्रोडक्शन दूंगी मैं क्या। तो यहाँ पे केक लग गया है, और ये तो एक दिन पहले पापा केक लेकर के आए थे, तो ये बोले कि तुम केक काट लेना कान्हा का, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग ना कान्हा स्कूल चला गया था, फिर आया तो आने के बाद खाना खाया फिर सो गया, फिर सीधे शाम में उठा, तो ये बोले कि शाम को ही केक काट लेना, लेकिन हम बोले नहीं रहने दीजिए पापा आ जाएंगे तो सब लोग रहेगा, तो फिर उसके बाद केक कट जाएगा। रात में पापा खाने के लिए आए तो फिर कान्हा का केक रखा, और कान्हा कितने ज़्यादा हैप्पी हैं ये देखिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से हो और मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो और आप लोग मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते हो, मतलब तो मेरी वीडियो को देखते हो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ऐसे ही अपना प्यार मेरे वीडियो पे बनाए रखिएगा, मेरे चैनल पे बनाए रखिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू सून।